अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा मंसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉमसन की स्मार्ट वाईफाई डिवाइस। ये सेम टू सेम जैसे सोनोफ की डिवाइस होती है उसी तरह की है, पर इसका फ़ायदा ये है कि एक तो 63 एम्पीयर की है, उसके अलावा ये सर्किट ब्रेकर की शक्ल की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आराम के साथ आ जाती है। आप इसको चाहें तो अपने अलग किसी चीज़ के साथ, एसी वगैरह के साथ, या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको आप वाईफाई से ऑपरेट करना चाहें उसके साथ भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर सोलर के साथ भी लगा सकते हैं। उससे आप ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि रियल टाइम लोड शेयरिंग के अंदर का जो इन्वर्टर है वो कितनी बिजली जो है वापडा की ले रहा है। दिन के टाइम आप इस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके फंक्शंस, इसकी खूबियाँ और इसकी वर्किंग की बात जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो के अंदर। वीडियो मज़ीद आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप अपने इन्वर्टर वगैरह की जो पावर है, वापडा जिसको हम कहते हैं, उसको आप ऑफ कर सकते हैं वाईफाई की मदद से पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं से भी। इसके अलावा इसके अंदर टाइमर्स भी हैं। अगर आप टाइम शेड्यूल कर दें कि रोज़ाना 9 बजे इसमें ऑन हो जाया करे या शाम के 4 बजे रोज़ाना ऑफ हो जाया करे, तो वो फैसिलिटी भी इसके अंदर है जिसको मैं अभी आपको चेक करवाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आप जो है प्राइस नहीं बताते, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे वेबसाइट का लिंक मौजूद होता है, आप उसमें जाके प्राइस जो है करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इस टाइम मई 2021 के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और उसमें इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल 4200 रुपीज़ है। ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो चलें फ्रेंड, अब चलते हैं वीडियो की जानिब, चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसकी बात करते हैं लुक की। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक बिल्कुल आम जो सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर होता है उसकी तरह का है। यहाँ पर एक मैनुअली ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, तो ये देख लें, और ये डिन रेल के अंदर है। इसकी जो ये वायर है इसको आपने नेगेटिव वायर कंसीडर करना है, ये एंटीना वायर वगैरह नहीं है। इस डिवाइस को ऑन करने के लिए फेज़ और न्यूट्रल दोनों चाहिए होते हैं, तो इधर हम लोग न्यूट्रल की तार जो है वो लगा देंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई इनपुट कर देंगे और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। और उस डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन की मदद से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा आप स्क्रीन के ऊपर दो देख सकते हैं कि एक सिग्नल की जो है एलईडी है ग्लो करेगी और एक ऑन ऑफ की पावर की हमें एलईडी ग्लो करती हुई नजर आएगी। अभी मैं इसके कनेक्शंस करके आपको चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके जो वायरिंग कनेक्शन है वो कर दी है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने 220 वोल्ट की जो सप्लाई देनी है, इसकी जो नेगेटिव वायर है वो वाईफाई ब्रेकर, इसकी जो नेगेटिव वायर है वो, और जो लोड है हमारा जिस लोड को हम ऑपरेट करना चाहते हैं उसकी नेगेटिव वायर, इन सभी को कॉमन करके मैंने यहाँ पर जोड़ के और उसके ऊपर टेप कर दिया है। इसके अलावा जो 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है मैंने वो यहाँ पर दे के इसके पेज को टाइट कर दिया है, और जो मेरा लोड है जैसे कि ये बल्ब है इस टाइम, उसकी जो पॉजिटिव वायर है वो मैंने यहाँ पर नीचे कनेक्ट कर दी है। अभी मैं इसको सप्लाई देके आपको चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स, इसको सप्लाई देके हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना सिग्नल की जो एलईडी है ब्लिंक कर रही है। तो इसको हम यहाँ पर बटन की मदद से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, देखें बटन की मदद से ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है। ये मैनुअली अगर आप ऑन या ऑफ़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने इसको पेयरिंग करनी है ऐप के ज़रिए, उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ये पावर के बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है। ये तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक आपने इसको दबा के रखना है, उससे ये देखें, ये आप एलईडी देख सकते हैं कि ये ग्लो करने लग गई है। जब ये इस तरीके से ग्लो करने लग जाएगी तो इसका मतलब है अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल के अंदर ईवी लिंक की एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और पेयरिंग कैसे करनी है वो मैं मज़ीद अभी आपको चल के आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐप पेयरिंग के लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आपने फाइंड करना है ईवी लिंक। ईवी लिंक के अंदर आपने जाके इस तरह ये देखें, ये आइकन आ रहा होगा, मैंने पहले इंस्टॉल कर ली हुई है, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद अब यहाँ पर ये आ रहा है कि ये लॉगिन और फ्रॉम चाइना वगैरह इस तरह करके, तो आपने इसको ख़त्म करके यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऊपर पाकिस्तान +92 सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर टैप कर देना है। यहाँ पर ये स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, इसके ऊपर ये देखें पाकिस्तानी शो हो रहा है, नेक्स्ट का बटन दबा देना है, तो कहेगा प्लीज़ एंटर योर ईमेल। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लेना है। मैं जल्दी से यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर लेता हूँ। एंटर कर लेने के बाद वेरीफिकेशन कोड के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये आ चुका हुआ है एंटर वेरीफिकेशन कोड। अब आपने अपने ईमेल में जाना है और वहाँ पर एक आपको वेरीफिकेशन कोड नज़र आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जो वेरिफिकेशन कोड है वो मौसूल हो चुका हुआ है, 1120। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस का जो पे आया हुआ वेरिफिकेशन कोड जो है उसको एंटर करता हूँ, 1120।
अब वो कह रहा है कि अपना यहाँ पर आप जो है ना वो पासवर्ड वो सेट करें, मैं फ़िलहाल टेम्परेरीली यहाँ पर पाकिस्तान पी कैपिटल है मेरे पास, पाकिस्तान 1234 ऐड कर देता हूँ। रीकन्फर्म के अंदर भी मैं सेम पासवर्ड जो है वो डाल के दिखा देता हूँ 1234 और इसके बाद इस पर डन पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही ये देख सकते हैं कि मैंने डन किया है, यहाँ पर मेरे पास ये इंटरफेस आ चुका हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने ये नीचे जो प्लस का साइन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्विक पेयरिंग के अंदर जाना है। क्विक पेयरिंग के अंदर जाने के बाद ऐड वन डिवाइस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है वो डालना है। जिस वाईफाई का आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पर पासवर्ड डालना है। मैं वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद नेक्स्ट का बटन मैं दबाता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लोकेशन के लिए आपसे एक्सेस मांग रहा है, आपने इसको अलाउ कर देना है। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये आपको 180 सेकंड्स का टाइम शो करवा रहा है। असल में ये इतना टाइम नहीं लेता पर ये जस्ट यहाँ पर शो करवा रहा है इतना टाइम। ये देखें थोड़ा सा जल्दी ही ना ये कनेक्ट हो चुका हुआ होगा। अब मैं इसमें आपको ये करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपनी डिवाइस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ इन्वर्टर, क्योंकि मैं इसको फ़र्ज़ करें इन्वर्टर के साथ लगा रहा हूँ तो इन्वर्टर के नाम से इसको मैं रख लेता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि मेरा इन्वर्टर जो है वो कितनी बिजली ले रहा है। डन। उसके बाद आपने जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे ये इस तरह शो कर रहा है। अब इसमें मैं ये पावर का बटन ऑन करता हूँ तो मेरी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी हुई है और लाइट का बल्ब ऑन होने के बाद ये देखें मेरे पास 16 वाट 15.90 वाट शो करवा रहा है, 0.14 एम्पीयर करंट शो करवा रहा है और ये शो करवा रहा है कि इस टाइम मेरे पास 231 वोल्ट आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ से दोबारा से ऑफ़ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं जितनी मरतबा भी चाहूँ यहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। अब अगर हम कंजप्शन के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर कंजप्शन के ऊपर ये डेली कंजप्शन है, इसको आप चाहें तो उसके अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर वगैरह के अंदर इसका डाटा शीट भी निकाल के स्टोर कर सकते हैं कि इसने कितनी डेली कंजप्शन आपकी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जाके आपने स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद टाइम रेंज यहाँ पर चल पड़ी है कि ये 12:44:21 के ऊपर ये स्टार्ट हो चुका हुआ है और जब इसको मैं चाहूँ ये 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जितनी भी मेरी कंजप्शन हुई हुई होगी उसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये ऊपर क्लिक करेंगे आप राइट हैंड के एरो के ऊपर तो ये पूछ रहा है कि एक्सेस आपसे मांग रहा है कि भाई आपकी जो है डिवाइस की जो लोकेशन है उसमें ये अपनी फाइल जो है वो स्टोर कर सके, आपने इसको अलाउ कर देना है। ये आपको शो करवा रहा है, देखें कि ये डाउनलोडेड के अंदर इस जगह के अंदर ये हिस्ट्री नाम से यहाँ पर एक फ़ाइल सेव है, उसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि इसने सारा दिन में आपके किस टाइम कितनी कितनी बिजली जो है वो इस्तेमाल की है। इसके बाद अब मैं मेन स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाता हूँ। टाइमर्स का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हमने यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये OPS के अंदर जा सकते हैं। OPS में जाने के बाद यहाँ पर आप मिनिमम पावर सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर की मिसाल इस तरह है, जैसे इस टाइम मेरा जो बल्ब है वो 15 वाट या 16 वाट का है, अगर मैं इसके ऊपर सेट कर दूं कि 14 वाट से ऊपर की कोई चीज़ हो तो वो ना चले तो ये बिल्कुल भी उसको ऑन नहीं करेगा। सेम एज आप इसी तरह वोल्टेजेस के साथ भी कर सकते हैं। आपने देखा था कि मेरे पास 231 वोल्टेजेस आ रहे थे, अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगा दूं कि 225 वोल्ट से ऊपर अगर वोल्टेजेस आएंगे, फर्ज़ कर मैं ये वोल्ट कर देता हूं, इस पर चेक कर देता हूं और ये यहां पर वोल्ट पे मैं क्लिक करके यहां पर वैल्यू सेट कर देता हूं कि 125 वोल्ट को मैं सेव कर देता हूं यहां पर और यहां पर भी ये सेव कर देता हूं। तो जो मेरी डिवाइस है इस टाइम वो लाइट जो है मेरी वो ऑफ हो चुकी हुई है, ये देखें, क्योंकि इस टाइम मेरे पास जो 231 वोल्टेजेस आ रहे थे। इसको मैं ऑन भी करूंगा तो ये देखें ये ऑन नहीं होगा, ये यहां पर यानी कि सिर्फ स्क्रीन इस तरह कर रही है जबकि इन रियल मेरा लोड जो है वो ऑन नहीं हो रहा। उसके बाद मैं जाता हूं यहीं पर ही OPS में, इसके अंदर आप ओवर करंट को भी स्टोर कर सकते हैं। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लोड जो है 10 एम्पीयर से ज्यादा जाए तो वो बंद हो जाए, तो आप इसको यहाँ पर 10 एम्पीयर पे इस तरह रख के और इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप इसको चेक करके और सेव कर देंगे तो 10 एम्पीयर से ज्यादा का अगर लोड होगा तो वो फिर नहीं चलेगा, ये डिवाइस स्टॉप कर देगी जब तक उससे करंट नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने ये पावर ऑन स्टेट इस में जाना है, ये पावर ऑन स्टेट जो लिखा हुआ है ऑफ, इसका मतलब ये है
कि अगर आपकी जब डिवाइस जब भी लाइट जाएगी और जाने के बाद जब लाइट आएगी तो आपकी जो डिवाइस है वो ऑफ ही रहेगी, वो आगे सप्लाई नहीं देगी। इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जब भी लाइट जाके वापडा आपकी जाएगी और वापस आएगी तो ये आगे सप्लाई देना स्टार्ट कर देगी। और लास्ट स्टेट के ऊपर अगर आप रख लेंगे तो इसका मतलब ये होगा अगर आखिरी टाइम वो बंद थी तो वो बंद ही रहेगी, और अगर आखिरी टाइम वापडा की लाइट जाने से पहले अगर वो ऑन थी तो जब लाइट वापस आएगी तो दोबारा ऑन ही होगी, वो मतलब सप्लाई देना स्टार्ट कर देगी। इसको फिलहाल मैं ऑन के ऊपर रख लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वापडा जब भी जाने के बाद वापस आए तो ये हमें सप्लाई देता रहे। इसके बाद अब मैं आपको टाइमर्स की सेटिंग जो हैं वो बता देता हूँ। टाइमर्स के लिए ये सामने एक शेड्यूल आपको शो हो रहा होगा, शेड्यूल में जाके ऐड करें। ऐड के ऊपर ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रोज़ाना इतने बज के इतने मिनट के ऊपर जो है ये चीज़ ऑन हो या ऑफ़ हो। फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि शाम के 5 बजे सोलर इन्वर्टर को जाने वाली जो वापडा है वो शाम के 5 बजे ऑन हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पर 17 सेलेक्ट करके और जो मिनट्स हैं वो पूरे 5 बजे करने तो मैं 0 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 17 बजे ऐड एक्शन का मतलब ऑन का मतलब ये है कि ये ऑन कर दिया करे, रोज़ाना शाम के 5 बजे वापडा को ऑन कर दिया करे। रिपीट में जाके मैं चाहता हूँ कि ये मेरा काम जो है वो डेली पूरा वीक होता रहे, तो मैं इसको यहाँ पर ये टाइम सेट कर दूँगा। इसको सेव कर लेने के बाद इस टाइम को मैं सेव कर देता हूँ। और अब ये तो था कि वापडा शाम के 7 बजे मेरे इन्वर्टर के अंदर आना स्टार्ट हो जाए, अब मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना सुबह 8:30 बजे ये वापडा देना बंद कर दे, तो मैं एक और टाइमर इसके अंदर ऐड करता हूँ, प्लस के ऊपर करता हूँ। यहाँ पर मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ सुबह 8:00 बजे 8:30 बजे कि सुबह 8:30 बजे ये वापडा को ऑफ़ कर दिया करे, तो यहाँ पर मैंने 8:30 बजे का टाइम सेट कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर अब मैं ऐड एक्शन में जाके ऑफ़ को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुबह 8:30 बजे ये रोज़ाना ऑफ़ हो जाया करे। इसको यहाँ पर ऑफ़ करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद ये रिपीट वाले के अंदर मैं यहीं पर दोबारा सा पूरा वीक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर ये काम होता रहा करे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स ये मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो टाइमर है इसके अंदर सेलेक्ट हो गया है। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी इसके अंदर टाइम्स ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये अगर आपने टाइमर जो ऐड किए थे अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इस टाइमर को डिलीट कर लेना है। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और अब आपको मैं स्केड्यूल के साथ ही एक टाइमर का ऑप्शन है इसका बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। आप टाइमर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, टाइमर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइमर ऐड कर दें। इसका मतलब ये है कि अब से जो भी हमारा मौजूदा टाइम है इससे 1 मिनट के बाद क्या काम हो, 1 मिनट 20 मिनट या 15 मिनट। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से 1 मिनट के बाद, ठीक अब से 1 मिनट के बाद जो है वो जो मेरा ऐड एक्शन का ऑन का मतलब है कि मेरी डिवाइस ऑन हो जाए, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 0 और 1 मिनट लेटर, यानी कि भाई कोई घंटा मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं घंटा सिलेक्ट कर लेता तो उससे ये होना था कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद ये चीज़ ऑन हो जाए, तो यहाँ पर ये यूँ करेगा कि अब ठीक 1 मिनट के बाद मेरी जो डिवाइस है उसको ये ऑन करवा देगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पर। और अब जैसे ही टाइम जो है वो पूरा होगा यहाँ पर टाइमर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर का। अब ये मैं अपने आप जैसे ही 1 मिनट मेरा पूरा होगा, इस टाइम 12:52 हैं, 12:53 जैसे ही होंगे ये लाइट को ऑन करवा देगा और स्क्रीन आपके सामने वाइट हो जाएगी। ये भी देखिएगा, ये देख सकते हैं आप कि 12:53 हुए हैं, वो टाइमर से नीचे से वो चीज़ हट चुकी हुई है और मेरी डिवाइस को उसने ऑन करवा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस टाइम आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये देखें ये बल्ब मेरा ऑन है, इसको मैं यहाँ पर ऑन करके आपको ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें उसी टाइम लाइट जो है ऑफ़ हो गई है। इसको मैं फिर से यहाँ पर ऑन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये ऑन हो गई हुई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये OPS वाली चीज़ें चेक करवा देता हूँ। इस टाइम मैं वोल्टेजेस को लिमिट सेट कर देता हूँ 220 वोल्ट, चूँकि मेरे 220 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर चेक करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया आप देख सकते हैं लाइट मेरी जो है वो ऑफ़ हो चुकी हुई है यहाँ पर, ये यह देखें। अब मैं इसको ऑन करूँगा अभी तो ये देखें स्क्रीन मेरी ब्लिंक कर रही है पर लोड मेरा जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, ये देखें। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास करंट जो वोल्टेजेस हैं वो 233 आ रहे हैं और ये मैंने इसको 220 के ऊपर सेट किया हुआ है, तो ये हमें ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फ्रेंड्स अब मैं आपको टाइमर 1 मिनट का इसके अंदर लगा के चेक करवाता हूँ कि लोड जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मैं टाइमर के अंदर जाता हूँ, ऐड के अंदर जाता हूँ, ऐड के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर 1 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 मिनट के बाद, और एक्शन ऐड एक्शन मेरे पास ऑन है कि 1 मिनट के बाद जो है वो मेरी डिवाइस ऑन हो जाए। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ
और यहाँ पर ये ऑन शो हो रहा है, और यहाँ पर टाइमर पे भी आप देख सकते हैं रेड आइकन शो हो रहा है, और ये 2:40 हुए हैं। जैसे ही 2:41 होंगे ये डिवाइस मेरी अपने आप ऑन हो जाएगी। तो अभी हम वेट करते हैं कि 2:41 हो जाएं, और उसके बाद ये डिवाइस ऑन करने का वेट करते हैं। ये देखें, जैसे ही 2:41 हुए हैं मेरी डिवाइस ऑन हो चुकी हुई है। अब फ्रेंड्स अगर बात कर ली जाए कि ये मिलेगी कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ पर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी ना किसी के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।